नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर खबर स्पेशल। आज की 10 खबरों में आपका स्वागत है। खबर देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज की पहली खबर। भीम आर्मी ने दी धमकी, अगर उसके बड़े नेता चंद्रशेखर और विनय रतन को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। चंद्रशेखर और भीम आर्मी के अन्य नेताओं को 21 अगस्त को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। अब आज की दूसरी खबर। अरुण जेटली हुए पंचतत्व में विलीन, जेटली का निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जेटली का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। वो बीती 9 अगस्त से एम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। बड़े नेताओं में शुमार अब जेटली यादों में जीवित रहेंगे। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से हाल ही में निकाली गई दरोगा सार्जेंट सहायक जेल अधीक्षक की 2446 भर्तियों की शर्तों में बदलाव किया है। आयोग ने शिक्षण योग्यताएं ग्रेजुएशन की कट ऑफ डेट बदल दी है। इसमें उन लाखों उम्मीदवारों को फायदा हुआ है, अब ये उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। दरअसल पहले जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वही उम्मीदवार आवेदन कर रहे थे जिन्होंने 1 जनवरी 2019 अथवा इससे पहले ग्रेजुएशन की हो। अब आज की चौथी खबर यूपी के जनपद बरेली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कुछ अभियान चलाए जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, योग दिवस आदि। प्रधानमंत्री के शासनकाल में ही स्वच्छ भारत अभियान को उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली का जिला अस्पताल प्रशासन ठेंगा दिखाता नजर आता है। आपको जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नंद किशोर मौर्य ने ये वो तस्वीरें भेजी हैं जो गंदगी का एक सबूत दे रही हैं। यहीं पर सरकार के पैसे को खर्च करके पेड़ लगाए गए थे, इन पेड़ों को पानी नहीं मिला और देखभाल नहीं हुई तो सूख गए। पेड़ों के लिए अस्पताल प्रशासन के पास पानी नहीं है पर पानी की टंकी से पानी बहता रहता है। अस्पताल परिसर का दौरा करने नेता गढ़वा अधिकारी गण अक्सर आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। अब अगली खबर यूपी के जनपद बदायूं से। यहाँ आदर्श नगर सिविल लाइन में एक धार्मिक जगह है जहाँ पर हर वर्ष की तरह लोग इस साल भी बरसात में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे। हमारे सहयोगी नौरंगी लाल जी के अनुसार यहाँ किसी बात को लेकर अचानक विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन आपसी सामाजिक लोगों की सूझबूझ से मामले को शांत कराया गया। अंत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अगली खबर जनपद फरुखाबाद से। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता शिवम साक्य के अनुसार जनपद के गांव और शहरों में जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने झांकियां सजाई और भजन कीर्तन भी किए। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से भव्यता के साथ सजाया गया। बाबा नगला गांव में पुजारी गंगादास ने अपने मंदिर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया गया और आरती के बाद प्रसाद बांटा। यहाँ मंदिर के पास सजी भव्य झांकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। अब खबर यात्रा और पर्यटन से। देश के प्रमुख रेल स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डो और मॉल में ही आपको जल्दी ही कुल्हड़ वाली चाय पीने को मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखा था। मौजूदा समय में वाराणसी और रायबरेली स्टेशनों पर ही पक्की मिट्टी के बने कुल्हड़ में चाय दी जाती है। इस संदर्भ में गडकरी ने कहा कि मैंने पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर 100 रेल स्टेशन पर कुल्हड़ को अनिवार्य करने के लिए कहा है। अब खबर खेल जगत से। 3 बार की विश्व चैंपियन पारुल परमार ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप एकल एसएल 3 श्रेणी के फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस सीजन में अपना 7वां फाइनल खेल रही शीर्ष वरीय परमार का फाइनल में सामना हमवनत मानसी जोशी से होगा। मानसी ने 2017 में कांस्य पदक जीता था। सेमीफाइनल में पारुल ने तुर्की की हेलमी को और मानसी ने थाईलैंड की वेंडी कमतम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन देश ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वहीं बहरीन सरकार ने 250 भारतीयों की कैदियों की सजा माफ कर दी है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। इस ट्वीट में कहा गया कि मानवीय सद्भाव के तहत बहरीन सरकार ने बहरीन में सजा काट रहे 250 भारतीयों को माफी दे दी है। इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के इस फैसले को स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है। अब आज की अंतिम खबर, बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। जी हां, 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। बता दें, लोगों को यह फिल्म बेहद पसंद आ रही है, जिसका प्रभाव हमें बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में पता चल रहा है। ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही मिशन मंगल का 10वें दिन भी जबरदस्त प्रभाव हमें देखने को मिला। इस फिल्म ने अब तक लगभग 145.25 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल की है। आज के देश देशांतर में बस इतना ही। बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।